I am going to teach coordinate geometry. In coordinate geometry, I want to teach midpoint formula and section formula related to some questions. Question read: the coordinates of the coordinates of the coordinates of one end point of a diameter AB of a circle or a 4-1 and the coordinates of coordinates of the center of the circle are C 1-3. Find the coordinates of B. Find the coordinates of B. तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इंग्लिश C is the center of the circle. Through C, make a line segment AB. Or A is the coordinate of 4-1. Center is the coordinates of 1-3. Then find B is the coordinate of. तो let इसमें पहले क्या करेंगे, जो तो दिया हुआ है given है उसको लिखेंगे. Let C center कितना है 1-3. Be the center of the given circle and let A is the coordinate of 4-1 and B को हम मान रहे हैं AB. B का कोऑर्डिनेट को मान रहे हैं AB. B द टू इन पॉइंट्स ऑफ द गिवन डायमीटर AB. So we can say that C is the midpoint of AB. Center जो होता है diameter का midpoint होता है.
then clearly she is the then she is the midpoint of AB. C क्या होगा? मिड पॉइंट होगा किसका? AB का. लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट C होगा. नाउ यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला. अगर इसको हम x1 y1 करते हैं, इसको अगर x2 y2 करते हैं, तो x1 प्लस x2 y2 इक्वल टू C का मिड पॉइंट का है 1 एंड y1 प्लस y2 by 2 इक्वल टू माइनस 3. तो x1 के जगह पर कितना है आपका? 4 है. 4 प्लस x2 आपका हो गया a. 4 प्लस a by 2 इक्वल टू मिड पॉइंट का कितना x कोऑर्डिनेट है? 1. एंड y1 का वैल्यू माइनस 1 है, प्लस y2 का वैल्यू b है, और y2 इक्वल टू सेंटर का y मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है माइनस 3. नाउ सॉल्व. 4 प्लस a इक्वल टू 1 इंटू 2 2 एंड माइनस 1 प्लस b इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 विच इंप्लाय ए इक्वल टू 2 माइनस 4 एंड बी इक्वल टू माइनस 6. ए माइनस 1 राइट साइड में जाएगा प्लस 1. नाउ ए इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड बी इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5. हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर बी ए का वैल्यू माइनस 2 हो गया तो माइनस 2 एंड बी माइनस 5 तो माइनस 2 एंड माइनस 5 ए आपका बी का कोऑर्डिनेट हो गया. तो इस तरह से सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सर्किल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा इस तरह का बनेगा. Find what is centroid of a triangle. मेन पॉइंट्स याद रखना होगा. सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल. सेंट्रोइड किसको कहते हैं? आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं. फिर एक बार रिवीजन कर देना चाहता हूं. तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट ऑफ intersection of the medians point of intersection of the medians of a triangle is called its centroid. Its centroid. तो एक ट्रायंगल है एबीसी. एक मेडियन आपका यह हो गया. सेकेंड मेडियन एडी. फर्स्ट मेडियन एडी. सेकेंड मेडियन बीई. एंड थर्ड मेडियन
CF are meet at a point O, then we can say that O is the centroid of the triangle ABC. यहां पर क्वेश्चन होगा टू फाइंड द सेंट्रोइड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the centroid of a triangle तो यहां पर पहले हम यह मीडियन जो है बीसी को हाफ पोर्शन पर काटता है, BD इक्वल टू DC होगा, यानी वी कैन से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, लेट A इज द कोऑर्डिनेट ऑफ X1, Y1, B इज द कोऑर्डिनेट ऑफ X2, Y2 एंड C इज द कोऑर्डिनेट ऑफ X3, Y3. Now write, let A X1, Y1, B X2, Y2 and C X3, Y3 are the vertices of triangle ABC. AD, BE and CF are the medians of triangle ABC. तो जिस तरह से एक मिड पॉइंट का निकलेगा AD इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. क्योंकि AD मेडियन है और मेडियन जो होता है बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी जितना BD होगा उतना DC होगा. तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट BD इक्वल टू DC. तो D का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है यहां पर, और जिस तरह से D कोऑर्डिनेट फाइंड होगा उसी तरह से आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, AB इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, इसका भी निकालेंगे और सभी में सेम रिजल्ट आएगा. जो D का कोऑर्डिनेट होगा वही E का भी होगा और वही F का भी होगा. तो यह चीज जान ले, एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि AO इज टू OD इक्वल टू 2:1/9 में थ्योरम में पढ़ना था. AO इज टू OD इक्वल टू 2:1, यानी सेक्शन फॉर्मूला भी AD का लेंथ निकालने के लिए पहले तो हम D निकालेंगे, पहले फाइंड करेंगे D. तो D इक्वल टू D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है तो X2 प्लस X3
पहले हम डी का कोऑर्डिनेट निकाले, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, यह डी का हो गया। और यहां ओ जो है ओ का कोऑर्डिनेट को मैं मान दे रहा हूं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, लेट ओ एक्स वाई बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन ओ डिवाइड्स, ओ डिवाइड्स एडी इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:1, दो और एक के अनुपात में बांटता है। तो यह एम हो गया, यह एन हो गया, और ए और डी का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट है ए का एक्स वन वाई वन वाई टू और डी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू प्लस वाई थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। अब यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एक्स का होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई टू एंड वाई होता है एम एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन होता है, सॉरी एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एंड वाई होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज यहां करेंगे। तो एक्स इक्वल टू, देखिए यहां यह टू जो है एन का वैल्यू है और वन जो है एन का वैल्यू है, तो एम एक्स टू, एम कितना है टू है, टू इन टू एक्स टू का वैल्यू है आपको एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स टू प्लस एक्स थ्री और वाई कितना टू प्लस एन एक्स वन, एन का वैल्यू वन हो गया और एक्स वन का वैल्यू एक्स वन है, तो एन एन का वैल्यू वन रखेंगे यहां इंटू एक्स वन और बाई एम प्लस एन, एम आपका वैल्यू टू है और प्लस वन एक्स हो गया। नाउ वाई, तो एम वाई टू, तो टू इंटू टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री वाई टू प्लस एन वाई वन, एन का वैल्यू वन, एन का वैल्यू यहां वन है तो एन का वैल्यू वन इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन दैट इज टू प्लस वन। नाउ एक्स इक्वल टू, ए टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन इंटू वन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड वाई इक्वल टू, यहां से टू कैंसिल हो जाएंगे
तो y1 into 1, y1 plus y2 plus y3 और y3, तो यह सेंट, यह आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया। सेंट्रोइड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ The coordinates of centroid are the coordinates of centroid O R O। अब O का x coordinate जो है x1 plus x2 plus x3 by 3 and y coordinate y1 plus y2 plus y3 by 3। तो आप सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा एबीसी, ए का वर्टेक्स दिया रहेगा, बी का वर्टेक्स दिया रहेगा, सी का वर्टेक्स दिया रहेगा और एडी मेडियन हो, तो डी पॉइंट का पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ओ का फॉर्मूला, ओ सेंट्रोइड निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। तो इस फॉर्मूले के द्वारा सेंट्रोइड निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन देख ले इस पर सेंट्रोइड पर। एक सेंट्रोइड का हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए माइनस थ्री जीरो, बी फाइव माइनस टू एंड सी माइनस एट फाइव। ये आपको सेंट्रोइड निकालना है, तो वर्टेक्स तीनों मालूम है आपका। सॉल्यूशन, एक आपका सेंट्रोइड निकालना है और एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री। हियर एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स टू इक्वल टू फाइव, एक्स थ्री इक्वल टू माइनस एट एंड वाई वन इक्वल टू जीरो, वाई टू इक्वल टू माइनस टू, वाई थ्री इक्वल टू फाइव। लेट ओ बी द ओ एक्स वाई, बी द सेंट्रोइड ऑफ
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री और एक्स वन माइनस थ्री प्लस एक्स टू फाइव प्लस एक्स थ्री माइनस ए बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एट माइनस थ्री प्लस माइनस एट माइनस थर्टीन प्लस फाइव बाय थ्री और माइनस थर्टीन प्लस फाइव माइनस एट बाय थ्री सॉरी माइनस एट माइनस थ्री माइनस इलेवन माइनस एट माइनस थ्री प्लस माइनस एट इक्वल टू माइनस इलेवन प्लस फाइव और इलेवन माइनस फाइव इक्वल टू माइनस इलेवन प्लस फाइव इक्वल टू माइनस सिक्स थ्री टू जा सिक्स माइनस टू एंड वाई वाई इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 एंड y1 0 प्लस y2 माइनस 2 प्लस y3 5 y3 और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1 हेंस द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ओ माइनस टू एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 इस तरह से आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं।